कर्नाटक में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना का कथित महिला शोषण मामले में नाम आने के बाद से ये मामला गरमाया हुआ है। इस दौरान नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक तरफ इस मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिससे प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। तो वहीं विवादों में फंसे प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। कर्नाटक में जेडीएस विधायक एसडी रेवन्ना और सांसद प्रज्वल रेवन्ना की महिला शोषण मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनकी मेट की शिकायत पर दोनों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है और अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस खत के जरिए पीएम से गुजारिश की है कि वो केंद्रीय विदेश मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने के निर्देश दे। सिद्धारमैया ने खत में लिखा कि एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर विदेश भाग गए। ऐसा पता चला कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहे हैं। उन्हें देश में वापस लाना बहुत जरूरी है ताकि वो कानून के हिसाब से जांच का सामना करे। वहीं जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना का इस मामले पर पहला रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि वो अभी बेंगलुरु में नहीं है तो वो जांच में शामिल नहीं हो सकेंगे। बता दें कि एसआईटी ने मामले की जांच के सिलसिले में एसडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना दोनों को नोटिस भेजा है और एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा है। मामले में कांग्रेस से लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष लगातार बीजेपी और जेडीएस पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर प्रज्वल रेवन्ना को भगाने के आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे रेवन्ना पर कार्रवाई तेज होती जा रही है, वैसे ही बीजेपी भी मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।